तो नए दिन की शुरुआत हम करते हैं स्टार्ट। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है हमारा शिशु की ओर को जाने का है। अब ट्रैफिक्स और ये स्नो स्नो को देखते हैं, अगर खुला हो रोहतांग पास तो हम रोहतांग पास की ओर को भी जाएंगे, बट कुछ कंफर्म तो कह नहीं सकता हूँ। और हमारी गाड़ी आ चुकी है ये, और अब निकलने का टाइम आ गया है। बाय बाय। तो यहाँ पर हमारे RCN पॉल्यूशन चेक हो रहे हैं। अच्छा, डीजल गाड़ी का चेक होता है बस? नई गाड़ी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो। तो अगर आपकी गाड़ी नहीं है ना, जा ही नहीं रहे बर्फ में, आगे आगे खत्म करके आ रहे हैं रोड को। लद्दाख जाएंगे, स्नो पॉइंट आगे है सर। स्नो पॉइंट नहीं जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर गाड़ी यहाँ पर नई गाड़ी है आपकी, तो वहाँ पर पॉल्यूशन चेक नहीं होगा उसका। चलो चलो चलो, सकते हैं। जैसे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, रुक जा मेरे को लगाने। तो यहाँ पर फिर से गाड़ियों की चेकिंग होती है। चलो, तो यहाँ पर चेक होते हैं कि सिलेंडर लेंडर कुछ लेके जा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई भी फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलाउ नहीं है। इस पहाड़ के अंदर से घुस के हम उधर से घुसे थे, यहाँ से निकल गए, देख रहे हो आप। और यहाँ पर हमारा फी लगती है, जो आप देख सकते हैं गाड़ी की 200 रुपये है, और XUV की 300 रुपये, ट्रक और उसकी 500 रुपये, और टू व्हीलर की 50 रुपये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, आधे रास्ते पे हैं केलोंग के लिए। केलोंग का सफ़र यहाँ से 20 किलोमीटर का है, जो हमें आधा घंटा लग जाएगा कवर करने में। और ये आप मेरे सामने, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, ये पूरे स्नो से भरे हुए पहाड़ है। और इधर को जहाँ पर ये पुल दिख रहा है, और ये जो हमेशा की तरह सूखे पहाड़, तो यही रोड है जो लद्दाख की ओर को जाती है। लेह लद्दाख हाईवे है, और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और हम निकलने का समय आ गया। इस समय हम पहुंच चुके हैं आपका केलोंग, बट आज थर्सडे होने के कारण यहाँ सारी मार्केट सब बंद है। तो थर्सडे को मेरे ख्याल से सब लोग, सब चीज़ बंद रहता है। अब हो चुका है यहाँ पर ऑफ सीज़न, तो लोग बाग अपनी दुकानें बंद करके नीचे को जा चुके हैं। अब हम यहाँ ना नीचे मार्केट है, हम मार्केट जा रहे हैं। हाँ भैया, तो यहाँ पर सब कुछ बंद होने के कारण हमें बहुत खाने के लिए हमें नीचे मार्केट जाना है। तो जहाँ यहाँ की जो केलोंग की जो मेन मार्केट आपको मिलेगी वो नीचे है, तो गाड़ी भी जाती है। और यहाँ जब हमने पूछा भैया से कि हमें आगे जाना है जहाँ टोटली बर्फ़ मिलेगी, तो वो बोला कि 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा। पहाड़ी भाई, कोई दिल्ली वाले मेरे से हेल्प मांग रहे हैं यार, बताते हैं भाई। हाँ जी बताइए यार, बर्फ़ कहाँ मिल जाएगी? बर्फ़ फ्रीज में? अच्छा सॉरी, स्नो स्नो। अच्छा स्नो, स्नो के लिए आपको 70 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। मतलब जाने में ना ना ना, तो ये भी उसी प्रॉब्लम में है। तो यहाँ से आप मार्केट जा सकते। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आपके तांडी विलेज। तो तांडी विलेज, ये पुल है, तांडी ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है, आप देख पा रहे होंगे। इस टाइम पे भी तांडी विलेज हम पहुंच चुके हैं, और तांडी विलेज पूरा बंद है। और सामने हमारे तांडी ब्रिज, और आपको यहाँ पर जो नदी है, नदी का स्लोप यहाँ पर ना बहुत लेवल पे है, तो अच्छा पानी दिखता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए। और ये ब्रिज और स्नो की तो आप बात ही मत कीजिए, इतना पूरे पहाड़ स्नो से ढके हुए हैं।
तो हमारी बात हुई थी गांव वालों से, वो लोग कह रहे थे कि आजकल अब काम थोड़ा कम हो जाता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, बर्फ़ पड़ गई है इसलिए।